सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रिया सनसेट ब्लॉग। तो यहाँ पे मिल चुके हैं आपसे हम, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। लेकिन हमारी छोटी बेटी थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हो गई है, और कल से ही ख़राब हुई है। तो हम लोग सोच रहे थे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। आज हमें डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं बच्ची को, और दिखाते हैं क्या हुआ है, डॉक्टर क्या बताते हैं, और वैसा करना ही पड़ेगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, और आपको दिखाते हैं। तो मेरी छोटी बेटी जब बीमार हो जाती है ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इतना प्रॉब्लम होता है ना कि जैसे एक दो साल के बच्चे के साथ नहीं होता है सब कुछ, खिलाना पिलाना नहाना धुलाना, तो वैसा कर देती हूँ। तो बिल्कुल ना ही खाती है ना ही कुछ भी। तो मैं बोली थोड़ा सा नाश्ता करके चलो, ताकि डॉक्टर कुछ दवा देंगे तो खा लोगी। तो नहीं, थोड़ा सा मतलब ली भी, और उसका मुँह ही नहीं खुल रहा, ना ही आँख खुल रही ना ही मुँह खुल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना ही कुछ खा पा रही है, ना ही सोचती है, बोल रही है हमसे कि मम्मी हम, ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई मेरे सामने आए तो मैं इसको देख लूँ। मेरी आंखें बंद हो जा रही है, उसकी आंखें भी पूरी लाल लाल हुई है। तो हम आपको दिखाएंगे पूरा, पता नहीं उसको क्या हो गया अचानक सा। और अच्छी खासी मतलब खाते पीते एकदम अचानक सा गिर गई, और क्या हुआ, ना ही सर्दी है ना ही खांसी है, सिर्फ बुखार है। बुखार उसको इतना ज़्यादा तोड़ दिया है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, पहले डॉक्टर को दिखा के आते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। बेटी का मेरे मुंह देखिए एक ही दिन में कैसा सूख गया है, पूरा गाल और उसका सूज गया, पता नहीं क्यों ऐसे सूजन, डर बहुत लग रहा था। चलिए लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। और बाबू देखिए यहाँ पे अनमोल कैसे हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, तो मैं बोली छोड़ दो बेटा चल रही हो। तो चलिए पहले लेके चलते हैं, कितनी स्लो, चलने की हिम्मत नहीं थी उसको, इतना मतलब उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो एकदम टूट सी जाती है वो, बिल्कुल नहीं है मतलब हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो देखिए रोड का कितना बेकार काम चालू है यहाँ पे, और गड्ढा करके ना 10-10 दिन छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्या करते समझ में नहीं आया था। चलिए देखिए जाती कितने अच्छे से है डॉक्टर के पास, उसके बाद आप देखिएगा इसका ड्रामा, कितने बड़े ड्रामा करती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। देखिए यहाँ पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं, तो डॉक्टर साहब से फ़ोन पर हम बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे वो दवा देते हैं। तो यहाँ पर मतलब इसका तभी भी चेकअप वगैरह होता है। चलो 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 चलो, तुमको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, तो भाग रही हैं बाहर। चलो बैठो बैठो, हाँ बैठो, वहाँ बैठो, बैठो। हाँ तो अभी अभी पहले दवा ले। सुन इतना हाइपर मत हो, पहले एक बात मेरी सुन, जब तक इंजेक्शन नहीं लेगी तो ठीक नहीं होगा। दवाई से दवाई से कुछ होगा ही नहीं, फिर से होगा। 3 दिन इंजेक्शन लेना है तुझे, ऐसे नहीं कि आज ही लेना है, कल भी परसों भी। रोज मुझे लगाया जाता है, मैं कुछ बोलता हूँ क्या? यहाँ पे इंजेक्शन के डर से भाग रही है, घर पे रुके हम, फोन करते पापा से अभी। नहीं पहले लो, बिल्कुल नहीं दर्द करेगा, दर्द करेगा तो कल वाला इंजेक्शन मत लेना। तो यहाँ पे इतना रोई, भाग गई रोड पे सुई के लिए, बेचारा इतना छोटा सा लड़का कितना सुई लिया था। 5 रोड लेता हूँ आंटी, दवाई 1 दिन की, 2 की, 3 दिन की दवाई दो उसको, क्या पाओगे देने के लिए? फिर नहीं, 3 दिन वो नहीं लेगी, मुझे पता है नहीं लेगी ना, 1 दिन के लिए देती हूँ, आज का दिन देती हूँ। अभी देना है दोपहर में, रात को, सुबह शाम देना है। तो और 3 दिन की दवा मतलब ये पूरी की दवाई है ना? हाँ। तो अभी आज का दिया, कल का दिया, परसों का, ऐसे 3 दिन का दवा फिर दो ना, दवा से नहीं जाएगा क्या? दवाई से कैसे, कल फिर आ जाओ फिर देखते। तो यहाँ पे हम लोग से पहले इतना भाग के आके कहाँ बैठी हैं बिल्डिंग में, और ये पकड़ने मान की भी नहीं है, हम लोग के हाथ से भाग जा रही इतना थे। और घर में बोलती है मेरे पास ताकत नहीं है खड़े होने का, कहाँ से ताकत आ गया भाई, हाँ मेरे को धक्का विक्का दे भाग गई। अनमोल चिढ़ा रहा है फट्टू चंद, नहीं चलो घर पे चलो दवा खाओ, चलो कैसे खाना है पूछी, कुछ भी नहीं नहीं पूछे, तुम इतना पागल कर दी थी भाग आई लेके दवा, मतलब आपने सुना मैं रोती जा रही थी, आप सुन लिए, सुनी नहीं।
सो ये गाइस, तो देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले बेटी को दिखा लेते हैं डॉक्टर के पास से, तो फिर जाते हैं यहाँ पे पैर छू के आते हैं, मैं अनमोल कोकी सब लोग पैर छू के फिर आते हैं घर पे। तो देखिए बेटी क्या कर सुई है और दवा दिखाओ, दवा दिया है अभी, दवा खाओ, अगर नहीं आराम होगा तो फिर तुमको 3 सुई लेना ही पड़ेगा, तुमको पकड़ के डॉक्टर देगा। इनका शक्ल देखिए कैसा हुआ, तो चलिए एक एक दवा इनको दे देते हैं। और हम मंदिर में गए थे, प्रसाद भी लेके आए हैं, खाओगी मुंह में डाल लो, ऐसा नहीं बोलते भगवान का, और खा लो प्रसाद, खा लो, ले लो। मैं नहीं, तो नहाने से क्या हुआ है, तुम बच्ची हो, इतना छोटा कपड़ा पहना रही हो बाबू को, बहुत बड़ा है, सर्दी का कपड़ा पहनाओ यार, मोटा मोटा, अभी पंखा बंद रहता है। सो हे गाइस, तो फाइनली हम आ गए स्टेशन से भी, और हमसे हमको आपको मिले नहीं थे, यहाँ पे इनकी तबीयत भी थोड़ा ठीक हुई थी, घर जरा मैंने बिस्किट खाई थी, तो इनको हम नाश्ता पानी दे के गए थे, थोड़ा बहुत की नाश्ता पानी, अभी दवा खाना है, तो चलिए खाना बना लेते हैं। और मेरा ना अभी बहुत लेट होता है, मुझे आते हैं तो वहाँ से 9 बज जाता है, 9 बजे हम खाना बनाते हैं और 10 बजे तक हम लोग का खाना पीने होता है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा और चलिए देखिए क्या बनाते हैं। और बाबू की मस्त, तो पूछिए मत, देखिए क्या कर रहा है, चद्दर कम्बल ओढ़ के देखिए क्या मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। और अब तो खेलते हैं खुद से, लेकिन चलिए वीडियो में बने रहिएगा और दिखाते हैं आपको भी, पता नहीं क्या है, दोनों बहनें अपने फुस फुस कर रहे हैं, पूछते हैं क्या हुआ है। चलिए पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद आ गए हैं किचन में। देखिए हम इसको भिगो के और उबाल के गए कि आएंगे तो जल्दी से होगा, चलिए पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी सारा मेरा बनाना है, सबसे पहले हम रख देते कढ़ाई और यहाँ पे मसाला भी पीस लिया है। एक साइड सब्जी करेंगे, आटा गूंद के लिए, देखिए तो आधा काम हम कर लिए थे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए पहले इसको अच्छे से ना हम क्या बोलते हैं, क्या हुआ इसको, पूरा निचोड़ लेती हूँ। तो गाइस एकदम अच्छे से हम इसको लाल लाल फ्राई कर देंगे, थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक तो डाले ही थे, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये फीका ना लगे इसके लिए। और हम लोग थोड़ा थोड़ा मटेरियल ना इसमें भी डालेंगे अंदर से, खाने में हम लोग को एकदम फीका फीका ना लगे इसलिए। और सीजन तो इस समय हरा हरा सामान बनाने का, लेकिन मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इसको बनाना पड़ा, किसी की चॉइस है, किसी का क्या बताएं। चलिए मीडियम बने रहिएगा, आपको दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, वो इसलिए आपको बताई दिए कि फीका ना लगे इसलिए, नमक डाल के हम उबाले इसे। चलिए मीडियम बने रहिएगा, अब इसको अच्छे से भून लिए हैं, अब चलते हैं ग्रेवी भून लेते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे भी। तो वैसे हम थोड़ा सा तेल डाल लिए दूसरा, वो तेल तो पूरा सोख ही जाता है, तो थोड़ा डाल लिए हम इसमें मेथी और हींग और तेज पत्ता, आप लोग क्या डालते हैं हमें बताइएगा।
मेथी लाल हो जाएगी उसके बाद हम तुरंत छोड़ देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ टमाटर प्याज लहसुन गरम मसाला सब और ना गैस स्लो करके तब देखते हैं गैस स्लो किए तो बहुत उड़ता है। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के हम इसमें गरम मसाले में सब नहीं डाले थे तो बस ये पाउडर डाल के हम अच्छे से एकदम भून लेंगे। पूरा तेल छोड़ देंगे एकदम कढ़ाई उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल के ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे। वीडियो में बने रहिएगा बस मेरा मटेरियल तैयार ही होने वाला है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम रोटी बना चुके हैं यहाँ पे दाल चावल रख दिए थोड़ा गर्म होने को कक्कर लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। तो आपको कैसी लगी हमारी सब्जी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चलते हैं हम खाना निकाल देते हैं बच्चों लोग का। और सब्जी कैसी लगी उसका रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। यहाँ पे खाना खाने बैठ चुके हैं बच्चे और पूछते हैं कैसे बना कैसा बना नाना नाना को मेरी सब्जी मेरे हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है को। चलिए सो हे गाइस गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम रात को वीडियो नहीं एंड कर पाए क्योंकि ना रात को ना मेरे हस्बैंड जी को खाना का इंतजार करते बच्चों को लोग खाना खा रहे थे तो आप लोग को दिखाए ही थे और हस्बैंड जी का ना क्या बताया हस्बैंड जी का जो कलागिरी है ना बहुत ज़्यादा रहता है तो वो जब नीचे बैठ जाते हैं ना चार लोग में तो आधा घंटा का काम रहता तो एक घंटे बाद आते तो कल 10:30 बजे आए थे तो जब भी वो आए तो हमें बाबू खाना खिला रहे थे तो वीडियो में एंड नहीं कर पाई तो उनको भी फटाफट खाना दी उसके बाद सब लोग खाना खा के सो गए। हस्बैंड जी तो पहले आके खा के सो गए पता नहीं क्यों बहुत शांति शांति थे। कुछ बिल्डिंग का प्रॉब्लम था जो कि पानी वगैरह का यहाँ पे रोड बन रहा है तो वही सब बातें चल रही थी। चलिए वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड मॉर्निंग। और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय। और वीडियो में मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो मेरा आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा। बाय बाय गुड मॉर्निंग।